जनवार टाइम्स के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं सोहेल। भारत में रुक नहीं रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में 32 की मौत और 693 नए मामले सामने। मरीजों की संख्या हुई 4000 के पार। भारत में कोरोना वायरस का कहर रुक नहीं रहा है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक मरीजों की संख्या ने 4000 का आंकड़ा पार कर लिया है। भारत में कोरोना वायरस से अब तक 109 लोगों की मौत हो चुकी है और 4067 इसके संक्रमण के शिकार हुए हैं। वहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 232 है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो इस दौरान 32 लोगों की मौत हो चुकी है। 693 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस से बढ़ते मामले को देखते हुए देश में 21 दिनों के लिए लॉकडाउन जारी है जो 14 अप्रैल तक चलेगा। बता दें कि देश में कोरोना फैलने से रोकने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। रविवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में 505 और मरने वालों की संख्या में 11 का इजाफा हुआ था। इसके साथ ही रविवार को मरीजों की संख्या बढ़कर 3577 और मृतकों की संख्या 83 पर पहुंच गई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोविड-19 से संक्रमित 3666 लोगों का उपचार चल रहा है जबकि 292 लोग स्वस्थ हो गए हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। कोरोना के सबसे ज़्यादा मरीजों की संख्या महाराष्ट्र में देखने को मिली है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 690 हो गई है। वहीं 45 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 42 लोगों का उपचार हो चुका है। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए जनवार टाइम्स के न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।